हेलो एवरीवन, अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगी। एपिसोड 13 में हम देख चुके हैं डोहुन सियोन की फोटो। रीजन के घर देख हैरान था और रीजन भी देख हैरान थी। आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 14 में हम देखते हैं कि रियोन वहाँ आकर कहता है, ये फोटो मेरी है। रीजन कहती है, रियोन, पर तुम्हारे पास मिस्टर चा की मम्मी की फोटो कैसे आई? डोहन भी ये सुन हैरान था। इधर शिन को उसके आदमी बताते हैं कि हमें पता चल गया है कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन उस बच्चे को कौन लेकर गया था, तो हम जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। शिन चेयरमैन को आकर कहती है, सासुमा, ये सारी गलती तुम्हारी है जिसकी वजह से डोहन इतना बदल गया है। क्या तुम उसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं दिखा सकती? तुम उसे अपना ग्रैंडसन क्यों नहीं मानती? अगर तुम ऐसा करती तो वो कभी भी अपनी माँ से ऐसे सवाल ना पूछता और ना ही अपने बाप को खतरे में डालता। चेयरमैन कहती है, बकवास बंद करो और यहाँ से निकलो। अमेरिका जाकर डोहुन के साथ रहो। वहाँ तुम ड्रिंक कर सकती हो और गाने गा सकती हो। जो करना है करो। शिन कहती है, जब जुनपियो ने सियोन से डाइवोर्स लेकर घर छोड़ दिया था, मैं उन्हें घर वापस लेकर आई थी। जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की, तब मैंने उसे ऐसा करने से रोका था। अगर मैं ना होती तो तुम्हारा बेटा मर चुका होता। चाहे तुम जितना भी मना कर लो, लेकिन डोहुन ही जुनपियो का इकलौता बेटा है, इसलिए डोहुन को वापस बुलाइए इससे पहले कि वो अपनी लाइफ बर्बाद कर ले। डोहुन रियोन से पूछता है, बताओ ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? रियोन कहता है, मैं एक अमीर फैमिली पर मिस्ट्री नॉवल लिख रहा था और उसके लिए मैंने सिंगजन फैमिली को चूज़ किया था, पर जब रिजिन ने मना किया तो मैंने उस नॉवल को लिखना छोड़ दिया। पर ऐसा लगता है कुछ सबूत पीछे रह गए। रिजिन उसके लिए डोहुन से माफ़ी मांगती है। डोहुन रियोन से पूछता है, क्या ये सच है? रियोन कहता है, हाँ ये सच है, मैं और क्या कहूँ जिससे तुम्हें विश्वास हो। पर डोहुन को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो वह रियोन से कहता है, हम दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। वो दोनों अकेले में बात करने लगते हैं, पर रिजिन भी चुपके चुपके उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। डोहुन पूछता है, तुम्हें सिंगजिन में इतना इंटरेस्ट क्यों है? रियोन कहता है, ये तो बस एक लेखक की क्यूरियोसिटी थी। जुनपियो तुम्हारा पिता है, सियोन तुम्हारी कानूनी माँ है, पर तुम्हारी रियल मॉम शिन है। तो डोहुन कहता है, ये बताओ इसमें तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी है? रियोन कहता है, इस टॉपिक को इधर ही रोकते हैं, क्योंकि नॉवल पब्लिश नहीं होगी तो भूल जाओ ऐसा कुछ हुआ था। और रियोन वहाँ से जाने लगता है। रिजिन पूछती है, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? डोहुन कहता है, रुको रियोनो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, सुनो एक मिनट रुको। तभी पापा आकर उन दोनों के कान पकड़ कहते हैं, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तुम दोनों को बातों से फुर्सत नहीं है? रिजिन कहती है, पापा, आप हमें गेस्ट के सामने शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? पापा कहते हैं, ये कोई गेस्ट नहीं है, तुम जाओ और अपनी मम्मी की किचन में हेल्प करो, और पैरी, मुझे तुम दोनों की हेल्प की ज़रूरत है, चलो मेरे साथ। नेक्स्ट सीन में हम डोहुन और रियोन को प्याज छीलते देखते हैं। डोहुन पूछता है, तो क्या तहखाने वाले बच्चे वाला नॉवल सिंगजिन फैमिली के बारे में है? रियोन पूछता है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? डोहुन बताता है, क्योंकि मुझे तहखानों से डर लगता है। रियोन कहता है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। तभी पापा आकर दोनों के कान के नीचे एक एक लगा देते हैं और कहते हैं, कितनी बातें करते हो, तुम दोनों से अभी तक सारे प्याज भी नहीं छिले, अगर ऐसा करोगे तो मुर्गी कब बनेगी? तो दोनों एक साथ कहते हैं, माफ़ कर दीजिए, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। डोहुन और रियोन जो मुर्गियाँ लेकर आ रहे थे, डोहुन रियोन से फिर पूछने लगता है, तो क्या वो नोवल रिजिन और तुम्हारे बारे में था? रिजिन को भी तहखाने से डर लगता है, क्या तुम्हें भी लगता है? तभी पापा प्रकट होकर कहते हैं, अच्छा तुम दोनों क्या यहाँ मेलोड्रामा शूट कर रहे थे? डोहुन और रियोन डर जाते हैं। पापा कहते हैं, मुर्गी बनाने के लिए लकड़ी कब काटोगे? फिर वो दोनों लकड़ियाँ काटते हैं। रियोन डोहुन को कहता है, तुम सही कह रहे थे, तहखाने वाले बच्चे वाला नॉवल मेरे और रिजिन के बारे में है। डोहुन कहता है, तो इसका मतलब तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो, क्योंकि तुमने कहा था वो बच्चा सिर्फ प्यार की वजह से ही तहखाने से डरने की एक्टिंग करता था। तभी पापा फिर प्रकट होकर उन दोनों की सिर पकड़ टकरा देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों का ये क्या नाटक चल रहा है, सही से काम करो। बेचारे डोहुन और रियोन दर्द के मारे रोने को तैयार थे। डोहुन फिर रियोन से पूछता है, तो क्या तुम्हें पता चला रिजिन तहखाने से क्यों डरती है? रियोन कहता है, अरे थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते, कितना पिटवा दिया।
तुम जब सामने होते हो तो मुझे उसकी याद आती है। क्या नाम है उसका? योना। ओप्पा ओप्पा, बहुत हो चुका। फिर सब चीयर का ड्रिंक करते हैं। पापा पैरी को हेल्प करने के लिए थैंक्स करते हैं। मॉम कहती हैं, सच में पैरी कितना अच्छा है, मैं तो उसे अपना बेटा बना लूँगी। पापा कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, अगर रियोन मुझे 100 ट्रक बेचता है तो मैं उन 100 ट्रक्स को रखूँगा, पर रियोन को नहीं। रियोन कहता है, पापा मैं जानता हूँ कि आप मजाक कर रहे थे, पर ये सब आप अपने बच्चे के बारे में कैसे बोल सकते हो। फिर पापा पैरी को काम करने के लिए पैसे देते हैं। डोहन मना करता है, रियोन इशारा करता है तो नकली पैरी यानी डोहन ले लेता है। फिर वो सब फोटोज लेने लगते हैं। रिजिन कहती है, पैरी थोड़ा स्माइल तो करो, क्या तुम मैयत पे आए हो? तो डोहन स्माइल करता है। रिजिन सेल्फी लेती हुई कहती है, सब लोग याद रखना 19 फरवरी 2015, ये बेहद खुशी के पल हम सब एक साथ बिता रहे हैं। डोहन उसे गौर से देखने लगता है और फिर वो सेल्फी लेते हैं। रिजिन कहती है, मेरा मुंह थोड़ा बड़ा लग रहा है, लो रियोन तुम लो। तो रियोन फोन पकड़ सेल्फी लेता है, फिर वो बहुत सारी फोटोज लेते हैं। रिजिन नशे में टल्ली थी। पापा और मम्मी डोहन से कहते हैं, पैरी क्या हो गया तुम्हें, बियर क्यों नहीं पी रहे, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? डोहन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं थोड़ी सी भी पीता हूँ तो बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। रियोन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी ड्रिंक तो कर लेनी चाहिए। तभी रिजिन जो नशे में धुत थी खड़ी हो कहती है, सब लोग मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करना बंद करो, मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। सब उसे देख रहे थे। डोहन तो सबसे ज़्यादा हैरान था। रिजिन कहती है, वो नहीं पीना चाहता, क्या उस देश में आज़ादी नहीं है, ह्यूमन राइट्स भूल गए क्या, इस देश में डेमोक्रेसी बची है भी कि नहीं? डोहन हंस पड़ता है। पापा कहते हैं, क्या ये कन्फेस कर रही है? रियोन कहता है, बहना क्या ये कोई तरीका हुआ अपने पेरेंट्स के सामने बात करने का, तमीज़ है भी कि नहीं? रिजिन डोहन के करीब होकर कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे, अरे वो कैसे कहते हैं, और उसके ड्रिंक उठाकर कहती है, ये मैं तुम्हारे लिए पी लूँगी, और पीते ही गिर जाती है। मम्मी कहती है, इसने अपने पापा के सामने बहुत सच बोल लिया, अभी से ले जाकर सुला दो। डोहन और रियोन में रिजिन को उठाने की खींचातानी होने लगती है। मैं इसे उठा लूँगा, नहीं मैं संभाल लूँगा। मम्मी कहती हैं, ऐसे तो तुम इसके 2 टुकड़े कर दोगे। रियोन कहता है, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता लेकिन ये बहुत भारी है। डोहन कहता है, मैं संभाल लूँगा ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रियोन कहता है, मैं उसका भाई हूँ, और उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। तो डोहन जल्दी से रिजिन को कपड़े उड़ा देता है रियोन के उड़ाने से पहले और हंसने लगता है। रियोन उसे जेलसी से देख रहा था और कहता है, अभी बाहर आओ, तुम मेरे कमरे में सोओगे, यहाँ सोने के इरादे मत रखो। डोहन जाता जाता भी रिजिन को झांक कर देख रहा था। डोहन रियोन को कहता है, सुनो रियोनो, थैंक्स कि तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो और मुझे अच्छे लोगों से मिलवाया। रियोन कहता है, अगर तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, अगर तुम्हें एक बुरा फ्रेंड बनाना है तो मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकता हूँ। डोहन हंस पड़ता है। रिजिन जो नींद में अपने बेड से गिर जाती है और उसकी नींद खुलते ही उसे याद आता है कि उसने अभी अभी सबके सामने क्या तमाशा किया था, तो वो रोते हुए कहती है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और लीना के पास आकर कहती है, लीना अगले जन्म में मैं तुम्हारी बेजुबान बहन बनूंगी ताकि हम दोनों एक दूसरे से बात भी कर पाए। तभी रियोन आकर कहता है, छी छी मुझे पता था तुम यही मिलोगी, अभी तक सही से ड्रिंक करना भी नहीं सीखा और पप्पा के सामने बकबक कर रही थी, ये खाओ और हैंगओवर उतारो। डोहन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि रियोन अपने बेड पर नहीं है, तो वो बाहर आकर रियोन और रिजिन की बातें सुनने लगता है। रिजिन उसे अपना सपना बताती है तो रियोन कहता है, अच्छा तो तुम किसी बच्चे के साथ खेल रही थी, अचानक वहाँ एक परछाई आ गई, मुझे तो डरावना नहीं लगा। रिजिन कहती है, तुम्हें किसने कहा डरने को, वो मेरे लिए तो डरावना था। रियोन कहता है, वो बच्चा मैं ही था और वो काली डरावनी परछाई एडवर्टाइजिंग बैलून था, उस टाइम हमारे घर के सामने एक नया सुपरमार्केट खुला था और वो उसी के एडवर्टाइजिंग बैलून थे, तुम कैसी बेवकूफ हो इसी से डर गई। रिजिन कहती है, आप समझी, मैंने अच्छा करा तुम्हें बताकर। डोहन जो उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था, मॉम उसे बुलाकर मिडनाइट स्नैक्स देती हैं, तो डोहन खाकर कहता है, थैंक्स ये बहुत टेस्टी हैं। काम के बारे में पूछने पर डोहन बताता है, मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय था पर अब फायर हो गया क्योंकि मेरे बॉस मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करता था। मॉम कहती हैं, तुम्हें देख लगता नहीं है कि तुम्हें इतना गुस्सा आता होगा, वैसे तुम रिजिन के बारे में क्या सोचते हो? डोहन कहता है, वो बहुत क्यूट है।
मॉम बताती हैं। मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी कि मैं उसकी मॉम हूँ, बल्कि वो सच में बहुत अच्छी, काबिल और ईमानदार है, डोहन कहता है। जी हाँ, उसे अपने भाई का साथ पसंद है। मॉम कहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों जब देखो लड़ते रहते हैं। तुम्हें उनके बचपन के फोटोज देखने हैं? इधर रीजन रियान से पूछती है, मुझे बचपन का कुछ याद क्यों नहीं है? हम दोनों एक ही एज के हैं, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद क्यों है? रियान कहता है, मम्मा ने बताया था कुछ साल पहले हमारे घर में आग लग गई थी और उसी के जहरीले धुएं की वजह से तुम्हारी मेमोरी पर असर पड़ा। रिजिन कहती है, अब मुझे समझ आया कि मुझे मिस्टर चार से इतनी हमदर्दी क्यों है, क्योंकि मेरे पास तुम हो, मम्मी हैं, पापा हैं, जिन्होंने मुझे सब कुछ याद कराने में हेल्प की, पर मिस्टर चार की फैमिली ने उनसे सारी बातें छुपाई रखी। रियान जो चुपचाप सुन रहा था, उसे देख लग रहा था कि वो भी रिजिन से कुछ छिपा रहा है। फिर वो कहती है, दर्दनाक यादों पर पर्दा डालने से कभी इंसान का दर्द खत्म नहीं होता, घाव वैसे ही रहते हैं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें आज भी याद हैं। जिस दिन हम जुड़वा बने, वो दिन मुझे अच्छे से याद है। रियान पूछता है, तुम्हें वो याद था? रिजिन कहती है, ये कैसी खुशबू, मम्मी ने मिडनाइट स्नैक्स बनाए हैं, चलो चलकर खाते हैं। मॉम डोहन को उन दोनों के बचपन की फोटोज दिखाती हैं। रिजिन के फोटो देखकर डोहन के सिर में कुछ होने लगता है और उसे एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारा नाम क्या है? रिजिन भागती हुई आ रही थी और डोहन को देख रियान के पीछे छुप जाती है। डोहन उसे देख हंस पड़ता है। रियान कहता है, आप अकेले अकेले खा रहे हैं, मेरे लिए भी बना दीजिए मम्मा। रिजिन कहती है, मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। उन सब के जाते ही डोहन रिजिन की फोटो को देख अपनी पॉकेट में रख लेता है। डोहन चीफान को फोन कर बताता है कि मैं रिजिनों के घर हूँ, तुम चिंता ना करो, मुझे यहाँ अपनापन फील हो रहा है, ये मेरे लिए पहली बार है। वैसे आपने कॉल क्यों किया था? चीफान बताते हैं कि 21 साल पहले जो आग लगी थी, उसका हमें एक गवाह मिला। जिस दिन वो आग लगी थी, उस दिन एक गार्डन पार्टी थी जुनपियो चा के चेयरमैन बनने की खुशी में। वो एक केटरिंग वाला एम्प्लॉय था, शायद वो कुछ जानता है। डोहन कहता है, अच्छा तो तुम उससे कॉन्टेक्ट करो। फोन कटने पर डोहन पीछे मुड़ कहता है, सुनो रिजिनो, तुम वहाँ क्या कर रही हो? रिजिन जो छुप छुप कर भाग रही थी, तो डोहन उसे पकड़ तहखाने में ले आता है, पर इस बार गेट लकड़ी से अड़ा देता है। रिजिन कहती है, मैंने ड्रिंक करने के बाद जो तमाशा किया था, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। डोहन कहता है, देखो रिजिनो, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या मैं वो पहला इंसान बन सकता हूँ जिससे तुम शेयर करो? अगर तुम चाहती हो तहखाने में तुम्हारे साथ कोई आए, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, बताओ? बिल्कुल तुम्हारी तरह ही तहखाने से जुड़ी मेरी कई पुरानी यादें हैं, सबसे पहले बचपन की जिसे मैं अभी तक याद नहीं कर पाया, और दूसरी वो जो अभी हाल फिलहाल में हुई थी। रिजिन को भी वो ज़बरदस्ती किस वाला सीन याद आता है और वो एम्बेरस फील करती है। डोहन हंस पड़ता है और कहता है, सुनो रिजिनो, मैं उन डरावनी यादों को भुलाकर तुम्हारे साथ एक नई और अच्छी यादों को जोड़ना चाहता हूँ, तो क्या तुम? रिजिन कहती है, तो फिर क्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डोहन उसके करीब आकर उसे किस करता है, वो दोनों स्माइल करते हैं, फिर रिजिन भी उसे किस करती है। नेक्स्ट सीन में हम डोहन को उसी के सपने में देखते हैं, जहाँ एक छोटा बच्चा और बच्ची टॉय ट्रेन के साथ खेल रहे थे। अलार्म बजते ही वो बच्चा जाने लगता है, तो वो बच्ची उसका हाथ पकड़ कहती है, मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मेरे साथ खेलो ना। तो डोहन कहता है, ये सपना तो अलग है, पहले वाले सपने में हमेशा मैं हाथ पकड़ता था। बच्चा उस बच्ची को कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कल रात फिर वापस आऊँगा। बच्ची कहती है, क्या तुम थोड़ी देर और रुकोगे, तो मैं तुम्हें अच्छा कुछ दिखाऊंगी, और उसे एक लॉकेट दिखाती है जिसमें सियोन की फोटो थी, और बताती है कि ये मेरी मम्मा है, बहुत प्यारी है ना। वो फोटो देख डोहन कहता है, ये तो मेरी माँ है जो मर चुकी है। बच्ची बच्चे से कहती है, मम्मा ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे लेने आएंगी। बच्चा कहता है, वो नहीं आएंगी, तुम्हारी मम्मा मर चुकी हैं। बच्ची कहती है, नहीं, वो मर नहीं सकती, वो नहीं मर सकती। डोहन की आंखें खुलती हैं, तो वो चेयरमैन के घर के तहखाने में था। तभी उसे हेलुसिनेशन होता है, एक बच्ची जो टैडी को लेकर बैठी थी, तो डोहन पूछता है, तुम कौन हो? तो वो बताती है, नाना। डोहन पूछता है, क्या तुम नाना हो? बच्ची कहती है, इस टैडी का नाम नाना है, मैंने यहाँ नाना ड्रॉ किया है, प्यारा है ना। डोहन कहता है, नाना तो टैडी का नाम है, तो तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची कहती है, मेरा नाम। तभी सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डोहन फिर अपने सपने में देखता है कि बच्चा डरता हुआ अपने पापा से कहता है, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस कभी भी तहखाने में नहीं आऊँगा।
पापा कहते हैं तुम ऐसे ही मिस्टेक करोगे तो किसे भुगतना पड़ेगा। बच्चा माफ़ी मांगता है और पापा उस बच्ची की तरफ जाने लगते हैं। बच्चा कहता है उसे मत मारो, मुझे मारो उसकी जगह, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। डोहन भी ये देख रो रहा था। वो बच्ची कहती है मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो। बच्चा बच्ची को बचाने की कोशिश करता है। डोहन ये देख बहुत ज़्यादा रो रहा था। नेक्स्ट सीन में रिजन आकर रियोन को उठा कहती है उठो मेंढक हो क्या, मिस्टर चा कहाँ चले गए। रियोन कहता है मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थी, शायद वो चला गया। रिजन कहती है बिना गुड बाय बोले। डॉक्टर सुख रिजन के घर आकर ब्रेकफास्ट करते हैं। मॉम के पूछने पर रियोन बताता है कि पैरी तो सुबह चला गया। डॉक्टर सुख खाना खाते कहते हैं वाह मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ पर इससे अच्छा नहीं खाया। पापा कहते हैं आपको देख के तो लगता है आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई बात नहीं खाइए। रियोन देखता है कि रिजन बहुत उदास बैठी है। कीजुन की फैमिली को घर देख शिन युन से कहती है तुम अपने बेटे की एंगेजमेंट दिखा मुझे जलाना चाहती हो, इसी बहाने तुम ये जानना चाहती हो कि मेरे बेटे को कंपनी से निकाल दिया है या नहीं, अब तो तुम्हारे दिल को सुकून मिल रहा होगा। और कीजुन को कहती है डोहन को ना देखकर तुम्हें बहुत खुशी मिल रही होगी। और छियोन को कहती है पर तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी ने खरीद लिया है। और वाइन लेने जाती हुई युन से कहती है आज मैं महंगी वाइन लेने जा रही हूँ तो मुझे उकसाना मत कि मैं तुम्हारे मुंह पे फेंक दूँ। वाइन तहखाने में आकर वो देखती है कि डोहन बैठा है तो वो पूछती है बेटा तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम घर आ गए। डोहन उससे पूछता है जिस बच्ची को आप ढूंढ रही हो क्या वो सियोन की बच्ची है, मुझे बताइए कि क्या मैं तहखाने में सियोन की बच्ची के साथ था। शिन कहती है कौन सी बच्ची, कितनी बार बताऊं तुम्हारे अलावा इस घर में कोई बच्चा नहीं था। डोहन रोता हुआ कहता है सारे अत्याचार जो मुझ पर हुए थे वो मुझ पर नहीं बल्कि उस बच्ची पर हुए थे। शिन कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे पापा किसी को भी अब्यूज नहीं करते। डोहन कहता है तुम खुद खड़ी होकर देख रही थी और इसी राज की वजह से तुम आज तक सिंगजिन में टिकी हो, तुम मुझसे झूठ बोलती आई हो, बताओ क्यों। पापा अब्यूज करते रहे और तुम देखती रही, तुम दोनों ने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी। तुम्हारी तरह मैं आंखें बंद कर नहीं देखूंगा, सबसे पहले मैं उस बच्ची को ढूंढने जा रहा हूँ और उसे वापस लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे सिंगजिन ही क्यों ना बेचना पड़े। अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उसके जाते ही शिन दुख के मारे गिर पड़ती है और कहती है नहीं डोहन बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते। और अपने आदमियों को फ़ोन कर पूछती है क्या वो तुम्हें मिल गई। जब वो फोटो देखती है तो वो रिजिन ही थी तो कहती है रिजिनो ही सियोन की बेटी थी, उसने पहले ही मेरे बेटे को फंसा लिया। और फ़ोन कर अपने आदमियों को रिजिन का किडनैप करने को कहती है। डोहन चेयरमैन से आकर पूछता है 21 साल पहले जो भी हुआ था क्या आप उसे अनदेखा कर रही थी। चेयरमैन कहती है अपना मुंह बंद रखो। डोहन कहता है मैं अपने आप पता लगा लूँगा। रिजिन डॉक्टर सुख को बताती है जब मैं चेयरमैन के घर के तहखाने में गई थी तो मुझे हेलुसिनेशन हुआ, ऐसा लगता है जब मैं बच्ची थी तो मैं दीवार पर ड्राइंग करती थी पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी यादें हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं मिस्टर चा की यादों को अपनी समझने लगी हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी तहखानों से डर लगता है, भले ही थोड़ा कम हुआ पर दूसरों के घरों के तहखानों से अभी भी डर लगता है। डॉक्टर सुख कहते हैं मुझे लगा था तुम मिस्टर चा की यादें वापस लाने में हेल्प करोगी पर यहाँ तो तुम्हारी ही यादें कन्फ्यूज़ हैं। रिजिन कहती है मुझे पता था कि मुझे अपने बचपन की यादें सही से याद नहीं पर कभी इससे कोई परेशानी नहीं हुई, अब अचानक से सब कुछ याद क्यों आ रहा है। डॉक्टर सुख कहते हैं लोग कई बार अपनी बुरी यादों को दबा देते हैं अच्छा लगने के लिए, शायद तुम्हारी कोई बुरी यादें हैं जो अब वापस आ रही हैं। अगर तुम दोनों की यादें जुड़ी हुई हैं तो तुम दोनों एक साथ हॉस्पिटल आना अच्छा रहेगा। कुछ आदमी आकर रिजिन को किडनैप कर ले जाते हैं। रियोन भी उसे दूर से देख लेता है और कार से उनका पीछा करता है पर रेड लाइट होने की वजह से वो उन आदमियों की कार का पीछा नहीं कर पाता। डोहन को रियोन फोन कर बताता है रिजिन का किडनैप हो गया, तुम्हें पता है वो कहाँ हो सकती है। डोहन कहता है तुम सही से बताओ रिजिन को कोई किडनैप क्यों करेगा। रियोन कहता है अगर तुम्हें नहीं पता तो भूल जाओ, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ अगर इसमें तुम्हारा हाथ निकला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर रिजिन एक कमरे में बेहोश पड़ी थी। डोहन रिजिन का फ़ोन ट्रैक कर वहाँ पहुँचता है, वो भागकर जाने लगता है तभी वो आदमी उसे रोकने के लिए उससे फाइटिंग करने लगते हैं। मार खाने की वजह से डोहन के सिर में कुछ होने लगता है और सेंचुरी बाहर आने की कोशिश करता हुआ डोहन से कहता है बीड़ू क्या तू इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है या पुनाए। डोहन कहता है नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं फाइटिंग करूँगा।
न्यू सेंचुरी वापस चला जाता है। तभी एक आदमी डोहन के सिर पर डंडा मार देता है। डोहन अपने सपने में देखता है कि वो बच्ची जिसके साथ वो खेलता था कोई और नहीं रिजन ही है। वो उसका हाथ पकड़ कहती है, मत जाओ, मेरे साथ खेलो ना, अकेले में मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन जब तुम साथ होते हो तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बच्चा कहता है, अगर पापा को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें सजा मिलेगी, मैं कल रात फिर वापस आऊँगा। छोटी रिजन कहती है, क्या तुम सच में वापस आओगे? छोटा डोहन कहता है, हाँ पक्का, याद रखना कल रात 10 बजे, जो टाइम हमने प्रॉमिस किया था। तभी पापा रिजन को मारने आ जाते हैं। रिजन कहती है, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। बच्चा उसे बचाने की कोशिश करता है। ये देख डोहन बहुत तेज तेज रोता है और डोहन को सब कुछ याद आ जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।